हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर YouTube व्लॉग। होप करता हूं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गुड आफ्टरनून हो रही है, क्योंकि गुड आफ्टरनून हो रही है, देखो गुड आफ्टरनून हो रही है इसीलिए। सो आज के व्लॉग में क्या होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता। आई एम जस्ट किडिंग, इस व्लॉग में भी होने वाला है प्रैंक। मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो कमरे में यू नो कौन है। सो मैं आता हूँ ना, एक मिनट। सो अभी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ सामान लाना है। और आज के ब्लॉग में बताया तो क्या होने वाला है, आज के ब्लॉग में होने वाला है प्रैंक। क्या होने वाला है, मैंने बहुत टाइम से ना तान्या की तारीफ नहीं की। सो इस प्रैंक में ना वो रोमांटिक वाला सेशन वापस लाते हैं, तारीफ करते हैं और फिर देखते हैं उसका रिएक्शन क्या आएगा, तारीफ करने पर रिएक्शन क्या आएगा। और जब मैं उसको बताऊँगा कि ये प्रैंक था, ये तो सब ऐसा था, ये वैसा था, ये झूठ था, तब क्या आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो मैं आ गया हूँ घर और अभी मैं थाने के सामने ये प्रिटेंड करूँगा कि मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर बीच बीच में हम पंगे लेंगे एंड विल सी कि कैसा रिएक्शन आता है, क्या होता है। और हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। ठीक है, चलो। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब व्लॉग। मेरी बीबी कहाँ गई? अरे देर ही, देर इज शी। हाय एवरीवन। सो फाइनली हमें टाइम मिल गया अपने मम्मी डैडी ड्यूटीज़ के अलावा व्लॉग बनाने का, क्योंकि वो ड्यूटी प्रायोरिटी पे है बहुत ज़्यादा, इसीलिए। राइट राइट। और मैडम जी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा। कितनी बार और बताना है, मतलब जितनी बार हम बताएंगे उतनी बार पता लगेगा। बहुत लगाऊंगी उसके आगे, बहुत लगाएगी। ओके मैडम जी बहुत ज़्यादा बिजी रहती है तो इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता उस हिसाब से व्लॉग्स बनाने का। बात मी टाइम भी नहीं मिल पाता, इसको मी टाइम चाहिए और मेरे को आई टाइम चाहिए। सो आज के व्लॉग में क्या होने वाला है ये मैडम बताएंगी, आप बताओ। मुझे भी खुद नहीं पता क्या होने वाला है। अरे भाई ऐसे नहीं चलता ना, कंटेंट प्रॉपर चाहिए होता, बनाओ बताओ कुछ तो, अपना वो डालो, क्या कहते हैं, इनपुट। मुझे लगता है आज डेली व्लॉग होगा। ऐसे वाला एक्सप्रेशन दिया तुमने, ओ भाई मारो मुझे, मारो। ओ भाई इधर आओ, मुझे पता लग गया क्या करना है। क्या कर रहे हो यार, मैं आज के ब्लॉग में करने वाला हूँ शायरी मेरी बीवी के लिए। ये क्या घटिया बात है। घटिया बात क्या भाई, क्या इससे अच्छा तो कुछ और दिखा दो उनको डेली व्लॉग में। डेली व्लॉग में क्या दिखाओ, हम बाहर तो जा नहीं पा रहे तो फिर यही दिखाना पड़ेगा ना, वो हम जब बाहर जाएंगे तो शायरी व्लॉग नहीं देखना उनको। वो देख लेंगे, वो देख लेते हैं। बाहर नहीं जाने का रीजन बाहर नहीं जाने का रीज़न मैं आपको बताया था, क्योंकि हमारे घर में पूजा होती है, जब बच्चा होता है ना पूजा होती है 40 डेज बाद, तो उसके बाद ही प्रॉपर हम बाहर जा सकते हैं, तो उससे पहले नहीं जा पाएंगे, तो वो करनी है। राइट, मैं तुम तो जा सकते हो, मैं नहीं जा सकती। मैं तो जा ही रहा हूँ, मतलब लफंडेगिरी करने मैं इधर उधर चला जाता हूँ, बट ये तो साला आदमी कमीना, सामान लेने जाता हूँ, लफंडेगिरी करने वरने नहीं जाता। सुना दो फिर उनको शायरी। हाँ शायरी। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। अच्छा वाह वाह वाह। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। आगे मैं नहीं बताऊंगा। क्या है, क्यों नहीं बताओगे? मेरी शायरी मेरी मर्जी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। टैलेंटेड इंसान की कदर नहीं है। अरे ए मारो इसको। क्या हो गया, क्या गुस्सा क्यों कर रही हो? व्लॉग कंटिन्यू करते ना। मैं नहीं कर रही कंटिन्यू, वो बेकार सा व्लॉग मेरे को नहीं करना। क्या व्लॉग बेकार सा, बेकार क्या है? कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है उसका। क्या शायरी करने लग गए हो? तो क्या हुआ, शायरी कर नहीं सकते क्या? तो एक पर्टिकुलर शायरी फिर व्लॉग अलग से बना लूं, मेरे ये वाला व्लॉग मत बनाओ। अच्छा इधर इधर मेरे साथ। मेरे को नहीं आती शायरी करने, तो मैं तेरे को थोड़ा कहा शायरी करने के लिए, और मैं शायरी वो ऐसे थोड़ा करो प्रटेंड करने के लिए, कोई फेक शायरी थोड़ा है, मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में अच्छी लग रही है, अच्छी लग के रही तो अच्छी है, तो संतूर मोम लग रही है, संतूर मोम होता है ना। ज़्यादा मत बोलो, बकवास मत करो। ज़्यादा क्या बोलना है, ज़्यादा तो ये होता है कि संतूर मोम को भी तेरे से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। मुझे पता है कोई संतूर मोम नहीं लगती। तू लग रही है, तो है संतूर जी? नहीं है संतूर मोम नहीं होना, मैं है मैं मेरी बात का विश्वास कर, है तू। अच्छा मेरे को ना तेरे से फिर से प्यार हो गया। इतनी अच्छी लग रही है तू, मजाक मत करो यार, मजाक का करो, सच्चाई बोल रहा हूँ यार। फिर से का मतलब होता है,
तुमने बोला मेरे को तुझसे फिर से प्यार हो गया। हाँ फिर से का मतलब होता है पहले बीच में बंद हो गया था? नहीं मैं मतलब देखो उसे भी पसंद नहीं आई तुम्हारी बातें। थाने इधर आना एक मिनट। मैं नहीं आ रही यार एक मिनट की एक बात करनी है एक मिनट को। क्या हो गया पागल हो गया तुम? तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं? मेरे को काम करना काम था। है तो ब्लॉग बनाना था। फालतू सा क्या शायरी वायरी तो बोलनी, क्या हो गया उसमें? तो तुमने तो याद की है ना शायरी, मैंने कोई याद नहीं कर रखी। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हाँ तो मैं बताऊंगा ना कैसे कैसे क्या। मेरी बात सुनो, हर चीज ना हर टाइम पे अच्छी नहीं लगती है, ठीक है? हाँ सिवाय तुम्हारी स्माइल के जो हर टाइम अच्छी लगती है। दिमाग खराब है क्या? पागल हो गया यार, मैं काम करने को। अरे गई तो इधर तो आ। क्या हुआ? पागल हो गया यार, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा ना। तो इस पे कंटेंट वो करते ना पूरा का पूरा। तुम्हारे चक्कर में हो रहा है सब कुछ। क्या करो यार तुम मुझसे, तुम पिटवाओगे मुझे अलग से यार। तान्या? क्या कर रहे हो? क्या काम कर रहे हो? निकाल ली रेट। मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। चढ़ जाओ मेरे ऊपर। कैसी अपमान जनक बात। नहीं बट मुझे बात करनी थी आपसे। सुनो तो मैं कान से सुनती हूँ, सुन रही हूँ मैं, उधर देख के भी सुन सकती हूँ मैं। वो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था इसलिए मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा। हाँ बोलो बोलो। तो मैं बोलो ना, बोलो जल्दी बोलो। अच्छा मैं कुछ बताना था आपको। जैसे आज आप देख लो दोपहर से शाम हो गई है और मैं बहुत अच्छा अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ, तो वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये चाहते हो चीजें करते हो ना काम? फिर ये बोलेंगे भाभी मारती है, भाभी ये करती है वो करती है, क्या करूँ बताओ मैं। आती हूँ तो वैसे इंसान की